राजस्थान के उदयपुर में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब चाकू के हमले में घायल छात्र की मौत की झूठी अफवाह फैल गई। इससे आक्रोशित परिवार के लोग और सैकड़ों महिलाएं अंजुमन चैक पर प्रदर्शन करने लगी। कई महिलाएं एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए जय श्री राम के नारे लगाने लगी। महिलाओं ने एक विशेष समुदाय विशेष के लोगों की सब्जियां नीचे बिखेर दी। मामला तनावपूर्ण होने की सूचना पर उदयपुर एसपी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आक्रोशित लोगों को समझाया कि बच्चे की हालत अभी स्थिर है, बच्चे का बेहतर तरीके से इलाज किया जा रहा है। कुछ लोगों ने गलत अफवाह फैला दी, इससे परिजनों में कंफ्यूजन हुआ। शहर में रविवार सुबह घायल बच्चे की मौत की अफवाह फैल गई। ये सूचना जैसे ही परिजनों को पहुंची तो उनमें आक्रोश फैल गया। इस पर पीड़ित की मां बेसुध हो गई। इस दौरान सैकड़ों महिलाएं एकत्रित होकर अंजुमन चैक पर प्रदर्शन कर घंटा घर की तरफ जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। प्रदर्शन के दौरान पीड़ित के पिता भी मौजूद थे। इधर मामले की सूचना मिलते ही उदयपुर के एसपी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आक्रोशित महिला को समझाकर बुझाकर शांत किया। साथ में उन्होंने पीड़ित के पिता से भी बात की। उन्होंने बताया कि आपके बेटे का बेहतर तरीके से इलाज किया जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से गलत अफवाह फैलाई गई। इस दौरान उन्होंने पीड़ित पिता को कुछ आवश्यक नंबर भी उपलब्ध करवाए ताकि परिजन बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी ले सके। घायल बच्चे की मां रविवार सुबह मुखर्जी चौक पर धरने पर बैठ गई। वे अपने बच्चे की स्वास्थ्य की जानकारी को लेकर अड़ गई। उसके साथ समाज की बड़ी संख्या में अन्य महिलाएं भी एकत्रित हो गई। इस दौरान महिलाओं ने जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। एसपी की समझाइश के बाद पीड़ित मां धरने से उठ गई। इधर आक्रोशित महिलाओं ने वहां एक समुदाय विशेष के लोगों की सब्जियां भी बिखेर दी। एसपी के समझाने के बाद महिलाएं पैदल ही एमबी अस्पताल पहुंची, जहां दो दर्जन महिलाओं को एक साथ इमरजेंसी वार्ड में घुसने पर रोक दिया गया। इस पर महिलाओं ने बवाल शुरू कर दिया। महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी की। पुलिस और परिजनों के बीच काफी देर तक तनातनी हुई। बाद में अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझाया कि बच्चे का इलाज किया जा रहा है, इतने लोगों को एक साथ नहीं जाने दिया जा सकता। पीड़ित परिवार के साथ पड़ोस की करीब दो दर्जन महिलाएं भी बच्चे से मिलने की जिद कर रही थी। काफी देर समझाइश के बाद लोग शांत हुए। मामले में उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने क्या कहा सुनिए। जो हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट है, उनके परिजनों के बीच में और कुछ लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन्स थे कि साहब हमें बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट नहीं मिल रहा है। उन्हें इस बारे में जो भी मेडिकल प्रशासन है उनसे जानकारी लेकर के उन्हें अवगत कराया गया है। बच्चा स्टेबल है और लगातार उसका इलाज चल रहा है, और उन्हें जो भी कन्फ्यूजन है इस संदर्भ में उनको अवगत कराया गया है कि सीनियर अधिकारियों के और मेडिकल प्रशासन के नंबर उनके मौजूद लोगों को और उनके परिजनों को उपलब्ध कराए गए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह की उनको वस्तुस्थिति जाननी हो तो वो संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। इसी बात कन्फ्यूजन्स को लेकर के ये लोग कुछ लोग यहाँ पर उत्सुकतावश मुखर्जी चौक में एकत्र हुए थे। समझाइश करके उनको अभी हॉस्पिटल भेजा गया है, भेज करके और उनकी मेडिकल प्रशासन से वार्ता करा दी जाएगी और वार्ता करा करके और उनको संतुष्ट किया जाएगा। देखिए, ये मिसक्रिएंट्स हैं, सब तरह के लोग मिसक्रिएंट्स हैं। रेगुलर बेस पे प्रशासन की तरफ से, मेडिकल प्रशासन की तरफ से मेडिकल अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं। सभी अधिकारी, सभी मेडिकल प्रशासन के लोग सब और जिस क्षेत्र के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लगातार बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट ले रहे हैं और जनता को भी अपडेट कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं ऐसा कन्फ्यूजन किसी को रखने की जरूरत नहीं, और फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है तो हमने हमारे नंबर उपलब्ध कराए कि हमारे नंबर से वो वस्तुस्थिति जान सकते हैं। किसी भी, मैं पुनः वापस कह रहा हूँ कि कोई भी अफवाह के ऊपर कभी कहते ही ध्यान ना दें। अगर किसी भी तरह का कोई अपडेट होगा तो निश्चित रूप से जो मेडिकल प्रशासन है या जो जिम्मेदार प्रशासन के लोग हैं वही जानकारी देंगे, वही लोग अधिकृत होंगे। कोई ना तो किसी ने यह बात बताई कि साहब उन्हें किसने इस बारे में कोई अपडेट दिया, ऐसी कोई ऑफिशियल या मतलब कोई नामजद कोई आदमी नहीं है किसने किस तरह की बात बताई, किसी ने भी कोई नाम नहीं। सर एक आरोप है कि मिलने दिया नहीं जा। नहीं, ऐसा नहीं है। रेगुलर बेस पे वो वहाँ मिल सकते हैं, और इस संदर्भ में इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको कि कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उनको उपलब्ध करा दिए गए नंबर। उनके जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन के लोग हैं, उसके अलावा मेडिकल प्रशासन के लोग हैं, चाहे जिससे जब चाहे बात कर सकते हैं। थैंक यू। वहीं घटना को लेकर पीड़ितों के रिश्तेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि शुक्रवार 16 अगस्त को उदयपुर में एक सरकारी स्कूल में दो बच्चों के बीच झड़प हो गई।
जिसके बाद उदयपुर जिला प्रशासन ने यहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की। छात्रा द्वारा अपने सहपाठी को चाकू घोंपने की घटना के बाद भड़के सांप्रदायिक तनाव के बीच जिले के कई इलाकों में शुक्रवार रात से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित हैं। उदयपुर के सभी सरकारी और निजी स्कूल में आगामी आदेश तक अवकाश घोषित कर दिया गया। उदयपुर प्रशासन की तरफ से शनिवार को उस घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया जिस घर में आरोपी छात्र का परिवार किराए पर रहता था। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि राजस्थान के उदयपुर में दो स्कूली बच्चों की आपसी झड़प के कारण वहां हुई हिंसा को रोक पाने में विफल राज्य सरकार ने कथित आरोपी बच्चे का मकान बताकर उसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हुई है कानून राज नहीं लगता है। मामले में माननीय कोर्ट को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। मायावती ने लिखा कि देश में भाजपा शासित राज्यों में खराब कानून व्यवस्था पर पर्दा डालने और उस पर लोगों का ध्यान बटाने के लिए जो राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है वह अनुचित है। सरकार कानून का निष्पक्षता से पालन करे, उसका रखवाला बनकर कार्य करे तो बेहतर होगा। चाकूबाजी की घटना से पूरे देश में बवाल हो गया था। जैसे ही छात्र के घायल होने की खबर लगी वैसे ही बड़ी संख्या में भीड़ सड़कों पर उतर आई। इस दौरान भीड़ ने बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी। हालांकि सूचना लगते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई और किसी तरह स्थिति पर काबू पाया गया। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।